नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकुमार शर्मा और मैं हूं अंजलि चौहान। अगले 5 मिनट में आप दिन भर की 25 बड़ी खबरें देखेंगे। श्रावस्ती के डीएम ने सीएचसी मलीपुर में प्राथमिक विद्यालय काला नासिरगंज का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान सीएचसी के अधीक्षक रहे मौजूद। बदायूं के थाना दिलसी के थाना अध्यक्ष समित कुमार और मुंशी ने अपने ही थाने के द्रोह को किया लाइन हाजिर और मुंशी को किया सस्पेंड। कुरुक्षेत्र पिपली रेस्ट हाउस में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। प्रदेश की मनोहर सरकार पर काला निशाना, कहा आज सभी वर्ग हैं परेशान। 1000 दिन में खट्टर सरकार ने नहीं किया कोई काम और न ही कोई नया प्रोजेक्ट लगाया। 1000 उपलब्धियां बता, एक भी नहीं, कौन सी उपलब्धि है कोई किसान का, मजदूर का, व्यापारी के लिए कौन सी उपलब्धि है, ये समझ में। 1000 दिन जो है ये व्यर्थ, हरियाणा व्यर्थ किए। संभल में गिरफ्तार साथी बदमाश बनिया छह थाने के दरोगा की पिस्टल छीन कर पुलिस हिरासत से फरार हो गया। जंगल की घेराबंदी कर मुठभेड़ के बाद फरार बदमाश सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रावस्ती के सिरसिया में एक बार फिर दिखा तेंदुए का आतंक। बालू गांव में तेंदुए ने 9 बार किया हमला। 5 बच्चों को तेंदुए से बचा लिया गया लेकिन 4 बच्चों को गंवानी पड़ी जान। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में समायोजन निरस्त होने के बाद शिक्षा मित्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। बहराइच भीम का फोर लेन को जाम कर दिया जिससे घंटों तक आवागमन बाधित रहा। हरियाणा में इंद्री के गांव सातड़ी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को 10 पेटी शराब माल्टा सहित किया गिरफ्तार। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर में सीआरपीएफ के 78वीं वार्षिक परेड आयोजित की गई जिसमें अतिथि के तौर पर सीआरपीएफ के डीजी आरआर भटनागर पहुंचे। इसी के दौरान परेड सलामी भी ली गई। मध्य प्रदेश के सरदारपुर में 2 करोड़ की लागत से नदी पर बनने वाले पुल का निर्माण कार्य हुआ पूरा। अब लोगों को नहीं करना पड़ेगा दूर का सफर। सरदारपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम बरमखेड़ी में संचालित हो रहे मुख बधिर आश्रम में पढ़ रहे बच्चों की सेवा के लिए दिन प्रतिदिन समाज सेवी संस्थाएं और परिवार जुड़ रहे हैं। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में कारगिल विजय दिवस पर आज शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। 3 दिन बीत जाने के बाद भी वकीलों ने अपना वर्क सस्पेंड रखा हुआ है। यही नहीं, वकीलों ने आज काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय में धरना दिया। यमुनानगर में चोरों ने हाथ साफ कर लाखों रुपए की नकदी और जेवर चोरी कर लिए जो दुबई में हुई फाइट से कमा कर लाया था। सैंकी पीलीभीत के माधवटांडा थाना क्षेत्र में एक कृषि यंत्र उद्योग व्यवसाय के संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत।